नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, क्या आपके लौकी के बेल में भी फल जो हैं वो सड़ जा रहे हैं या फिर फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे? अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो छोटे में ही सड़ के गिर जा रहे हैं या फिर कीड़े लगने की वजह से सड़ जा रहे हैं या उसमें छोटे छोटे छेद हो जा रहे हैं, कीड़े हो जा रहे हैं और फिर सड़ जा रहे हैं, तो इन सब का क्या कारण है? कैसे आप इन समस्याओं का बहुत ही आसानी से उपाय कर सकते हैं? ये सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, साथ में मैं बरसात की पहली हार्वेस्टिंग भी करूंगी। दोस्तों, लौकी के जो फल हैं या फूल हैं वो सड़के गिर जा रहे हैं, तो इसके मेन तीन कारण हो सकते हैं। और वो मेन तीन कारण क्या हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपके जो लौकी के फल हैं कुछ इस साइज़ के जब हो जाते हैं, ये उंगली के साइज़ के, ये देखिए जैसे मैं सामने दिखा रही हूँ आप लोगों को, फिर वो सड़ के या फिर सूख के गिर जाते हैं या फिर उसमें काले काले धब्बे पड़ते हैं और वो फिर सड़ के गल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के तीन चार कारण हैं जो आज हम बात करेंगे। पहला जो कारण है वो है फंगल इन्फेक्शन, यानी प्लांट में कोई ना कोई फंगल अटैक हुआ है जिससे लौकी के जो फल हैं उनमें छोटे छोटे में ही काले काले धब्बे या फिर छेद होके सड़ के गिर जा रहे हैं। तो फंगल अटैक से बचने के लिए आपको महीने में दो बार मिट्टी में कोई ना कोई फंगीसाइड ज़रूर मिलाना होगा, साथ में कोई ना कोई फंगीसाइड का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा पाउडर ट्राई कर सकते हैं। इसको आपने ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच आपने मिट्टी में मिलाना है। इसको आप पानी में मिला के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लौकी की बेल में कोई भी फंगल अटैक नहीं होगा, आपकी लौकियाँ जो है वो सेफ रहेंगी। लौकी के सड़ने का दूसरा कारण जो है वो है फ्रूट फ्लाई, यानी फल मक्खी। फल मक्खी क्या करती है कि आपके जो छोटे छोटे फल होते हैं उनमें छेद करके वो अंडे दे देती है और वो अंडे बाद में लार्वा बन जाते हैं और वो लार्वा आपके लौकी के फल को धीरे धीरे अंदर से सड़ा देती है और धीरे धीरे लौकी जो है वो सड़ के पूरी तरह गिर जाती है। और फल मक्खी के अटैक को कैसे पहचानेंगे आप? आप फल को तोड़ के देखिएगा, उसमें अगर छोटे छोटे आपको कीड़े दिखाई देंगे, तो अगर कीड़े दिखाई दें तो इसका मतलब है कि फल मक्खी का अटैक हुआ है। तो फ्रूट फ्लाई अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक जेलो ग्लू स्टिक आती है, उसको आप लगा दें, उससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। या फिर फल मक्खी पकड़ने के लिए एक ट्रैप आता है बाज़ार से, आप उसको ला के उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा कारण है फ्रूट फ्लाई से बचने का कि आपको जो आपके जो फल हैं वो जब छोटे छोटे ही हों तो उसको आप कपड़े से ढक दें या फिर पॉलिथीन आती है एक कपड़े की जो, उससे आप इसको ढक दें तो तब भी फल जो है वो सेफ रहते हैं। इससे क्या होगा कि जो फल मक्खी है वो डायरेक्टली आके इस पर छेद नहीं कर पाएगी और हमारे जो फल हैं वो बच जाएंगे। दोस्तों, चलिए अभी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मैं जब भी कोई भी हार्वेस्टिंग करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। कभी जैसे बीच में कोई ज़रूरत पड़ जाती है, एक तो कुछ मिर्ची या फिर कुछ कोई एक दो फल की, तो बच्चे तोड़ के ले जाते हैं, उसकी मैं वीडियो
नहीं बना पाती। शुरू में लौकी के पौधे में मेरे सिर्फ नर फूल ही आ रहे थे। मैं आके देखती थी कि फीमेल फूल नहीं आ रहे, लेकिन मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन फल ज़रूर लगेंगे। और कई बार दोस्तों नहीं भी लगता फल, ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे में फल ही लगे। कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें फल नहीं आता है। दोस्तों मैंने थोड़ा इंतज़ार किया तो देखिए आज मेरे लौकी की बेल में भी फल लगे हुए हैं और करेले भी लगे हुए हैं बहुत सारे, और भिंडी भी लगी हुई है। मैं आज ये सब हार्वेस्टिंग करूँगी। ये बरसात की पहली हार्वेस्टिंग है लौकी की जो मैं आज कर रही हूँ। तो चलिए अभी ये देखिए ककड़ी। ककड़ी दोस्तों मैंने 4-5 महीने हो गया लगाए हुए, तो देखिए अभी तक मुझे ककड़ी की हार्वेस्टिंग मिल रही है। अभी तो मैंने ये हार्वेस्ट कर ली है, लेकिन अगली जो भी ककड़ी लगेगी उसका मैं सीड्स के लिए रखूँगी। मैं घर के ही सीड्स इसके तैयार करूँगी। बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये। और ऐसे ही मैं एक लौकी का फल भी रख दूँगी, पहला लौकी का फल सीड्स के लिए। देखिए मैंने कितनी सारी लौकियाँ जो हैं वो हार्वेस्ट कर ली है। ये बीच में एक सड़ रही है छोटी सी, ये देखिए इसको फेंक देते हैं। आप जो भी सब्जियां अपने टेरेंस पे लगाते हैं उन्हीं में से आप जो पहला फल है जो आपको अच्छा लगता है वो आप एक फल रख लें और उसी का बीज जो है वो तैयार करके आप अगले साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। ये जो लौकियाँ मैंने लगाई हैं ये भी मैंने घर का ही बीज तैयार करके लगाई हैं। अब अगली बार लगाऊंगी तो इस बार की लौकी का बीज तैयार करके रख लूंगी, तो वो फिर मैं अगली बार लगा लूंगी। मैं बहुत सारे सीड्स जो हैं वो घर के ही तैयार करती हूँ। तो चलिए अभी भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये भिंडी के सीड्स जो हैं ये भी मैंने घर पे ही तैयार करके ग्रो की थी, तो देखिए कितनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये भिंडी की हार्वेस्टिंग मैंने कोई 3-4 हार्वेस्टिंग कर ली है। ये भी मैंने बरसात के लिए ही लगाई थी, पिछली जो है वो सारी की सारी मैंने हटा दी है पौधे। और ये मेरे बरसात वाले ही भिंडी है जिसमें मुझे हर तीसरे चौथे दिन हार्वेस्टिंग मिल जाती है। ये देखिए कई लोगों के व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि हमारे तो सब्जियों में फूल ही नहीं आ रहे। तो दोस्तों गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से फूल नहीं आ रहे। अगर आ भी रहे हैं तो वो सूख के गिर जा रहे हैं। तो आप उसके लिए आप शहद, 1 चम्मच शहद और 1 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कीजिए। उससे पॉलिनेटर आएंगे शहद से और आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको फल ज़रूर मिलेंगे। या फिर आप बीच बीच में फूल वाले पौधे, अगर येलो कलर के पीले कलर के फूल हों तो वो अगर आप लगाएंगे तो पीले कलर पे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो पॉलिनेटर होते हैं, कीड़े पतंगे जिसको बोलते हैं। तो आप फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। मेरे आप देख ही रहे हैं, मेरे सब पौधों में फ्रूटिंग आई हुई है। करेले है, भिंडी है, लौकी है, फिर ककड़ी है, मिर्ची है, सब में लगी है। सिर्फ एक लॉन्ग बीन्स की मैंने पौधे लगाए हुए थे उसमें अभी
फूल भी नहीं आ रहे, बेलें तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो उसमें फूल ही नहीं आ रहे। फूल नहीं आ रहे तो फल कहाँ से बनेंगे, तो उसके लिए भी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, जैसे इनका किया उनका भी करते हैं इंतज़ार। लगेगा, मेरे को पूरा यकीन है कि उसमें ज़रूर फूल और फल आएंगे। देखिए करेले आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे करेले हैं। एक बीवर ने मेरे से कमेंट किया था कि मेरे तो करेले जितने भी मैं हार्वेस्ट करता हूँ तो सब में कीड़े हो जा रहे हैं, छेद हो जा रहे हैं। तो उसका उपाय मैंने बताया आप लोगों को, फंगीसाइड का, कि आप मिट्टी में फंगीसाइड मिलाएं तो उससे ठीक हो जाएगा। मेरे भी ये देखिए बेलें जो हैं सामने आप देख रहे हैं पीली पीली हो रही है, तो ये जो बेलें पीली पीली हो रही हैं इसका भी कारण है बरसात। जैसे बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो इनमें से जितना भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे ड्रेन हो जाते हैं गमले में से। तो बरसात के बाद इसमें खाद जो है वो देनी पड़ती है, मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैं भी अभी करूँगी, देखूँगी थोड़े दिन। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।